भंजाल वार्ड के जिला पार्षद चैतन्य शर्मा की लोकप्रियता का ग्राफ बड़ी तेजी से बढ़ता जा रहा है। यही वजह है कि जनता उन्हें भावी एमएलए के रूप में देख रही है। चैतन्य शर्मा द्वारा गगरेट विधानसभा क्षेत्र में चलाया जा रहा जनसेवा अभियान जहां अपने पूरे चरम पर पहुंच चुका है, वहीं विरोधी पक्ष सकते में आ गया है। इसी कड़ी में चैतन्य शर्मा ने अपनी स्वयंसेवी संस्था युवा शक्ति पराक्रम के बैनर तले अमर पैलेस ब्रह्मपुर में 18 सितंबर दिन रविवार को शिक्षा में शक्ति कार्यक्रम आयोजित करके 2500 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप वितरित की। वहीं 20 विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान किए गए। गौर रहे इस कार्यक्रम में अपर बनेहड़ा, भद्रकाली, डंगोह खुर्द, डंगोह खास, जोह पिर्थीपुर और ब्रह्मपुर गांव के मेधावी एवं जरूरतमंद विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान की गई, जिसमें युवा वर्ग के अलावा क्षेत्र के बुद्धिजीवी वर्ग का तांता लगा रहा। जहां समारोह में विद्यार्थी चैतन्य शर्मा से स्कॉलरशिप प्राप्त कर रहे थे, वहीं दर्शकों की बजती तालियों से चैतन्य शर्मा को 2022 विधानसभा चुनावों के लिए नई उमंग, उल्लास एवं उत्साह मिल रहा था। गौर रहे कि चैतन्य शर्मा ने अभी तक जिला परिषद संघनई वार्ड और अम्बोटा वार्ड के बाद अंदौरा अपर, अंदौरा लोअर, कलरूही, मुबारकपुर एवं शिवपुर के योग्य एवं पात्र विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप प्रदान की है। इस तरह से चैतन्य शर्मा मात्र 2 माह में 11,500 विद्यार्थियों को स्कॉलरशिप और 110 विद्यार्थियों को टैबलेट प्रदान कर चुके हैं। जिला पार्षद चैतन्य शर्मा ने आयोजन के दौरान युवा शक्ति पराक्रम की आधिकारिक वेबसाइट को भी लॉन्च किया। साथ ही अपने संबोधन में कहा कि गगरेट विधानसभा क्षेत्र को शिक्षा के हब में विकसित करना उनका मुख्य लक्ष्य है, ताकि इस क्षेत्र के विद्यार्थियों को उच्च शिक्षा के लिए पंजाब सहित अन्य राज्यों का रुख न करना पड़े। उन्होंने कहा कि अभी तो शुरुआत है, आगे आगे देखिए होता है क्या। उधर उत्तराखंड सरकार से सेवानिवृत्त चीफ सेक्रेटरी राकेश शर्मा ने समारोह में उपस्थित विद्यार्थियों को करियर टिप्स दिए। साथ ही कहा कि गगरेट की जनता अब झूठे वायदों में नहीं फंसने वाली, क्योंकि चैतन्य शर्मा अपनी स्वयंसेवी संस्था YSP के माध्यम से जनसेवा अभियान चलाकर अपना विजन जनता के सामने रख चुकी है। और अब वो वक्त निकट आ रहा है जहां जनता को बड़ी बेबाकी से निर्णय करना है। आप भी देखिए इस कार्यक्रम को। मैं अगर बोलूंगा 1500 लोग हैं सामने, कैसे बोलूंगा, तो कैसे करूं, कुछ नहीं है। इसको पकड़ लो, इसको दबाते रहो और बोलते रहो। इसको दबा रहे हो ना, तो नर्वसनेस आपकी खत्म हो रही है। यू आर बिकमिंग कॉन्फिडेंट, ठीक है। कुछ लोग क्या होते हैं, पेन पकड़ लेते हैं, पेन को यूं यूं करते रहते हैं और बोलते हैं, आइए गगन जी, आइए आ गए आप। तो मैं एक गलती का सवाल का जवाब दे रहा हूँ। तो बेटा, जो मैंने आपको जवाब दिया कि बेसिकली यू हैव योर ओन वे ऑफ टेकिंग ओवर योर कॉन्फिडेंस। कोई जो है पेन को दबाता है, कोई इसको पकड़ लेता है, कोई इसको पकड़ लेता है, कोई ऐसे पीछे अपना हाथ दबाता रहता है और अच्छा बोलता है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं बहुत लंबा भी बोल गया। मैं जानता हूं आप सभी लोग बहुत पेशेंटली वेट कर रहे हैं। संडे का दिन है, 2:30 हो चुका है, आप लोगों ने अभी लंच भी नहीं खाया है। तो मैं फिर से एक बारी यहाँ पर इस हॉल के प्रांगण में आए हुए सारे के सारे पेरेंट्स को और जितने भी हमारे छात्र हैं उनको आभार प्रकट करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि आप इस कार्यक्रम में आए और जितने नंबर देना रजिस्ट्रेशन नहीं हो रही है, ऑलरेडी रजिस्टर्ड है वो, बोलिए नाम, बोलिए कनिका है। लेकिन ये जो युवा छात्रवृत्ति दीदी है, कितने छात्रों को छात्रवृत्ति दीदी है जी, और आगे कब तक ये कार्यक्रम अटेंड कर सकता है जी? सबसे पहले तो मैं आज उन्हें अपनी वार्ड नंबर 17 की जनता का, जो मेरा निर्वाचित क्षेत्र है और इसमें मेरी खुद की गृह पंचायत भी आती है, तो मैं सारी आज की जितने भी पेरेंट्स आए थे और जितने भी
स्टूडेंट्स आए थे उनका तहे दिल से आभार प्रकट करता हूँ, उनका अभिनंदन करता हूँ कि जो आज जिनको छात्रवृत्ति प्रदान करी गई है युवा शक्ति प्राक्रम द्वारा। आज का कार्यक्रम एक्चुअली काफ़ी भव्य था क्योंकि इसमें हमें काफ़ी अनरजिस्टर्ड स्टूडेंट्स को जिन्होंने अपनी पंजीकरण नहीं कराया था उनको हमें अनफॉर्चुनेटली भेजना भी पड़ा, क्योंकि जैसे हमने बीते सप्ताह और उससे पहले 3-4 वीक्स में देखा है कि हमारे कार्यक्रम में जो संख्या है वो बढ़ती ही जा रही है वन आफ्टर दी अनदर। तो इस प्रोग्राम में भी हमारे पास वार्ड नंबर 15 और 16 के भी बहुत सारे स्टूडेंट्स आए थे, बट हमने उनको आश्वस्त कराया है कि हमने उनका जो रजिस्ट्रेशन की डिटेल्स हैं वो नोट डाउन कर ली हैं और आने वाले वीक्स में जो है कार्यक्रम जो है चलते रहेंगे। सो टू आंसर योर क्वेश्चन, ये जो हमारे कार्यक्रम हैं जब तक हमारे सारे स्टूडेंट्स जो हमने क्राइटेरिया बनाए हैं जब तक हम उनको पूरा नहीं कर देते हैं तो हम ये जो प्रोग्राम से करते रहेंगे। आज हमारे जो हमारी प्लानिंग है उसके हिसाब से टेक्निकली ये हमारा सेकेंड लास्ट कार्यक्रम था, सेकेंड टू लास्ट, इसके बाद एक और कार्यक्रम होगा क्योंकि मैंने पहले वार्ड नंबर 16 फिर वार्ड नंबर 15 और दौलतपुर ग्रेट का करा था जो अपना खुद का गृह क्षेत्र है उसको जिसको बोलते हैं कि यू लीव द बेस्ट फॉर लास्ट, तो मैंने अपना खुद के गृह क्षेत्र। सवाल उठता जा रहा है जैसे ही चुनाव की प्रक्रिया जो है गर्माहट ले रही है और आने वाले टाइम में अब जो है सभी लोग यही पूछते रहते हैं कि मैं किस तरफ से इलेक्शन लड़ूंगा और क्या क्या मेरी रणनीति रहेगी, तो मैं उसमें बड़ी मीडिया के माध्यम से भी बड़ा क्लियर करना चाहता हूँ कि कभी कभी कुछ कयास लगाए जाते हैं या कहीं पर रूमर्स फैलाए जाते हैं कि युवा शक्ति प्राक्रम जो है वो पॉलिटिकल एक प्लेटफॉर्म है और इसी को जो है ये पॉलिटिकल पर्पसेस के लिए यूज़ करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है, हमने जब जिला परिषद लड़ने की नहीं सोची थी तब भी युवा शक्ति प्राक्रम धरातल पे जो है हमारी 16 पंचायतों में काम कर रहा था। धीरे धीरे करके जिला परिषद के इलेक्शन के बाद हमने अपना जो कार्यकाल अभी तक निभाया है उसमें 16 पंचायतों कवर करी हैं, बट हमारा जितना पूरा एरिया पड़ता है ग्रेट विधानसभा का हमारी 45 पंचायत और जो दो हमारे एनएसी के एरिया पड़ते हैं वहाँ पर YSP को बहुत ज़्यादा उत्साह के साथ युवा शक्ति ने जोड़ा है, साथ साथ में हमें बहुत प्रोत्साहन मातृशक्ति और लेडीज़ का जितना भी हमारा वर्ग है उनसे मिला है। तो मेरा यही निवेदन रहेगा कि बढ़ चढ़ कर वॉलंटियर्स जो भी आपकी एज कैटेगरी हो जो भी आप किसी भी बैकग्राउंड से आते हो आप हमारे साथ जुड़ें ताकि आपके जो अनुभव हैं आपकी जो एक्चुअली धरातल पे जो आप दिक्कतें परेशानियां अच्छा बुरा जो सभी कुछ देख रहे हैं हम भी उससे जो है आगे समझ सकें सीख सकें अपनी जो हमारी उससे सजेशन लेते हुए हम भी अपनी रंग रूपरेखा को आगे बढ़ावा दे सकें। सो आज जो हमने वेबसाइट लॉन्च करी है उसमें जो वॉलंटियर्स का सेक्शन है वहाँ पर आप हमें फीडबैक भी दे सकते हैं हमारे साथ जुड़ भी सकते हैं ताकि हमारा रियल टाइम में आपके साथ जो है मेल मिलाप हो सके।